हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेपर वन डिस्कस करने जा रहे हैं नेट का, जो 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। इस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर सिलेबस होता है तो जनरली ये पूछा जाता है। यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो इस ये बहुत ही आसान होता है अगर आपको पता है तो, ये बस फौरन ही निकल आता है। बहुत ही कम बिल्कुल टाइम में और बहुत ही कम इसमें ज़रूरत होती है कि बहुत टेक्निकल कोई चीज़ नहीं है। मगर यह है कि अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है या नहीं कर पाते तो ये 2 मार्क्स फालतू के छूट जाते हैं। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट है उसमें ये क्वेश्चन, कम से कम ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। बेसिक है, बहुत ही आसान है। तो आज हम ये सीखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इफ़ द बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं कंप्यूटर में उसका बेस कितना होता है और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनका बेस कितना होता है। तो कोई भी जो बाइनरी नंबर होगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है बाइनरी इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर 48, 48 डेसिमल नंबर है, यानी 48 का बेस कितना होगा 10, और इसके इक्विवेलेंट क्या है 1 1 1 2 3 4, 4 times 0। इसका मतलब इसका बेस, ये बाइनरी है, बाइनरी का बेस 2 होता है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि बेस कितना है, क्योंकि बेस पता हो गया तो इसको निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इन्होंने बोला अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो ये बताइए कि अगर यहाँ डेसिमल नंबर 51 है, यानी इसका बेस कितना होगा 10, तो हमें बताना है कि इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो हम बेस से डिवाइड करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ 2 है, मान लीजिए यहाँ 51 है या 51 गिवन है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर को हम यहाँ लिखते जाते हैं। यहाँ बचा रिमाइंडर 1, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 हुआ था, 1 बच गया है। फिर यहाँ करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर रिमाइंडर बचा कितना 1। फिर फर्दर हम इसे 2 से करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है इसलिए हम डिवाइड हमेशा 2 से करेंगे। 2 6 ज़ा 12, यहाँ रिमाइंडर 0। फिर करेंगे 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, कितना बचा यहाँ रिमाइंडर, 2 3 ज़ा 6 0। फिर यहाँ 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 1। तो जब हम इसे लिखते हैं बाइनरी नंबर में तो नीचे से ऊपर ले जाते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी इस फॉर्म में हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर देन ऐसे। तो अगर हम इसे लिखें तो ये क्या होगा, 1 1 1 1, उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1। तो हमारा ये जो बेस टू यानी 51 का, अगर 51 हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, उसको हम बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 1 1 0 1 1, यानी अगर इस 4 ऑप्शन में हम देखें तो हमारा 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी कमेंट या कॉम्प्लीमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। और एक चीज़ और, हम ये चाहते थे कि अगर आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो भी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो प्लीज़ जो अपना सोल्यूशन है उसका फ़ोटो क्लिक करके कमेंट पे अटैच कर दिए, ताकि हमारे पास भी क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाए और पता लगे कि आपकी भी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। इस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जिसके लिए एक दूसरे के साथ जो आपने अपलोड किया होगा वो कोई और देखेगा, फिर वो अपलोड करेगा, और मे भी हमारे सामने बहुत सारे कन्वर्जन के मेथड्स भी आएंगे और हमारे पास क्वेश्चन भी कलेक्ट हो जाएंगे। एक एक वीडियो में खोलकर कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपरेशन के लिए मिल सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू।